की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। सोमनाथ महादेव की जय। केदारनाथ महादेव की जय। अमरनाथ महादेव की जय। मुक्तिनाथ भगवान की जय। बाबा पशुपतिनाथ की जय। कामाख्या माई की जय। परशुराम भगवान की जय। काली कलकत्ता वाली की जय। कपिल मुनि की जय। जय। बलदेव जी महाराज की जय। भद्रा देवी की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। वेंकटेश्वर भगवान की जय। भरद्वाज भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। हनुमतेश्वर महादेव की जय। अनंत नारायण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। बाबा वासुकीनाथ की जय। बाबा नाथ की जय। बाबा कुलदेश्वर नाथ की जय। हर हर महादेव। हर पृथ्वी की जय। जल देवता की जय। अग्नि देवता की जय। वायु देवता की जय। आकाश देवता की जय। महामाया की जय। हर हर महादेव। जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। पार्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। काल भैरव महाराज की जय। वटुक भैरव महाराज की जय। वीरभद्र महाराज की जय। नंदी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नारदी महाराज जय। सनक सनंदन की जय। सनातन सनत कुमार की जय। हर हर महादेव। कैलाश मान सरोवर की जय। हिमालय पर्वत की जय। रुद्र भगवान की जय। सतलज व्यास की जय। रावी जनाब की जय। एलम सिंधु की जय। नर्मदा गोदावरी की जय। कावेरी की जय। सरजू माता की जय। सरस्वती की जय। गोमती माता की जय। माता की जय। करुण जी महाराज की जय। शेषनाग भगवान की जय। चतुर सुदर्शन की जय। हर हर महादेव। विभीषण जी महाराज की जय। सुग्रीव जी महाराज की जय। अंगद महाराज की जय। रामवंत महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सूर्य भगवान की जय। चंद्रमा भगवान की जय। ऋग्वेद की जय। यजुर्वेद की जय। सामवेद की जय। अथर्ववेद की जय। सतयुग त्रेता की जय। द्वापर कलयुग की जय। बोलो हर हर महादेव। वाल्मीकि ऋषि की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। रामानंदाचार्य भगवान की जय। रामानंदाचार्य भगवान की जय। कौशल्या माता की जय। सुमित्रा माता की जय। भरत जी की माता की जय। वशिष्ठ जी महाराज की जय। विश्वामित्र महाराज की जय। कपिल मुनि की जय। अगस्त ऋषि की जय। सर्वंग मुनि की जय। सुदीक्षण मुनि की जय। बोलो हर हर महादेव। उत्तर दक्षिण दिशा की जय। पूर्व पश्चिम दिशा की जय। बोलो हर हर महादेव। भृगु मुनि की जय। अग्नि ऋषि की जय। राम जी महाराज की जय। इंद्रराम बाबा की जय। महाराज बाबा की जय। आकी बाबा की जय। युधिष्ठ बाबा की जय। भाला बाबा की जय। नरहरि बाबा की जय। गौतम ऋषि की जय। अहिल्या माता की जय। महेंद्रनाथ भगवान की जय। अंबिका भवानी की जय। बाबा हरिहरनाथ की जय। जय भरत जी महाराज की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। बाबा गरीबनाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। उमानाथ महादेव की जय। अलकनाथ महादेव की जय। कालेश्वर महादेव की जय। भुवनेश्वर महादेव की जय। हरे राज बाबा की जय। कुशेश्वर महादेव की जय। विजयेश्वर महादेव की जय। सिंहेश्वर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव की जय। धर्मनाथ बाबा की जय। वत्सेंद्रनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। पुष्कर
तीर्थ की, अहिंसा रण्य तीर्थ की, बेड़ी माधव भगवान की, अक्षय भट भगवान की, बड़े हनुमान जी की, चक्र माधव की, शंख माधव की, सोमेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की, सुभाषा मुनि की, रूप की, हर हर महादेव, समुद्र रूप की, रूप की, भरद्वाज मुनि की, जगवंत ऋषि की, मलोपी माई की, कल्याणी देवी की, शारदा माई की, हनुमान धारा की, राम घाट की, स्फटिक शिला की, त्रि मुनि की, सूर्या माता की, तपोदावरी की, हर हर महादेव, नर्मदा महारानी की, हर हर बड़ा खपड़िया बाबा की जय, पी स्वामी की जय, हर महादेव। बाबा महेंद्रनाथ की जय, गोरखनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जो महात्मा होते हैं उनके मन में, वाणी में और कार्य में एकता होती है। मन में कुछ, वाणी में कुछ और चाल चलन व्यवहार में कुछ, उसी को दुष्ट कहते हैं, दुरात्मा कहते हैं। इसलिए अपनी जांच अपने करनी चाहिए कि हमारे मन में क्या है, वाणी में हम क्या बोलते हैं और कार्य व्यवहार में हम क्या करते हैं। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। होता है हमारे यहाँ की शास्त्र दृष्टि गुणोर्वाक्यम तृतीय स्वात्मनिश्चय अंतर्गत तमा चेतु चतुर्थो लोपपद्यते। जो पुराने महात्मा हो चुके हैं, जो पुराने विद्वान हो चुके हैं, अब तो तुलसीदास से भेंट करने को नहीं मिलेंगे, वाल्मीकि जी नहीं मिलेंगे, व्यास जी सुखदेव जी नहीं मिलेंगे, शंकराचार्य रामानुजाचार्य नहीं मिलेंगे, उनका ग्रंथ तो मिलेगा। तो जो महात्मा हो चुके हैं, जो शास्त्र है और महापुरुषों की जो वाणी है, उनकी जो रचना है, उसको देखिए। गणित ही पढ़ना होगा तो गणित की पुस्तकों को देखना पड़ेगा, साइंस ही पढ़ना हो तो गणित साइंस की पुस्तकों को देखना पड़ेगा, और जो उसको बताने वाले हैं गुरुजनों से भेंट करनी पड़ेगी। जो शास्त्रों को नहीं देखेगा, गुरुजनों से नहीं मिलेगा, विद्वानों से नहीं मिलेगा, अपने भी नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए। वो पुराने लोगों का अनुभव, जो विद्वानों का मान भाव का हो, हम लोग की सहायता के लिए उन्हें छोड़ गए। और दूसरा है कि गुणोर्वाक्यम, उन चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं तो गुरुजनों से सहायता लेनी चाहिए। गुरुजन उसको समझाए तो हो सकता है हम लोग ठीक से न समझ पाए और अपने भी तत्पर हो जाए। शास्त्र दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि रखो, हमारों की दृष्टि से ये काम सौदा होने वाला नहीं है। गुणोर्वाक्यम, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो, मनमानी अर्थ न लगाओ। तृतीया स्वात्म निश्चय, गुरु शास्त्र के अनुसार अपना निश्चय ये करो। गुरु कुछ कर रहे हैं, शास्त्र द्वारा कुछ, और तुमको कुछ बनने नहीं पड़ रहा है, तुम सफल हो गए कहां से। कोई भी भाव हो, सीनियर लोगों से देखो, पक्षी जो है सीनियर जो है आगे आगे चलते हैं, छोटे छोटे पीछे चलते हैं। मछलियों में भी सीनियर जो है आगे आगे चलती है मछली और पीछे पीछे चलते हैं भेड़ बकरी में। तो गुरुजनों को पकड़ना पड़ेगा। माई आपको संभाल रही है, लेकिन माई के पीछे नानी है, नानी भाई को भी संभाले। पिता आपको संभाल रहे हैं, बाबा जो है आपको भी संभाले, एक के पीछे। इसलिए कहता है शास्त्र की दृष्टि रखो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो और गुरु शास्त्र के अनुसार नीचे एक करो, तब तुम सफल होगे। भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए कोई भी चौथा साधन नहीं है। ये वशिष्ठ जी का वचन है, किसके प्रति?
रामचंद्र जी के प्रति है। साधारण पुरुष सोना भी साधारण नहीं है, काटे वाले भी साधारण नहीं है, थोड़े में ही विद्वान पुरुष जो है थोड़े में बहुत कह देते हैं, मंगुर खान भी बहुत कहेगा थोड़ा भी नहीं कह पाएगा। तो शास्त्र की दृष्टि रखो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो और गुरु शास्त्र के अनुसार अपना निश्चय एक करो, तब तुम सफल हो गए। चौथा कोई भी साधन नहीं। इस बात को हमने महात्मा को सुना है, महात्मा जो थे दक्ष सोना आश्रम थे, हरिद्वार वाले प्रयाग में आए थे, वो बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ एक पायलट आया हवाई जहाज चलाने वाला, वो कहा कि स्वामी जी हम लोग मैं बरसते हैं पूर्व दिशा की ओर जाना है, दिल्ली से मैं कलकत्ता वायुयान को हवाई जहाज को तो हम लोग मैप रखते हैं, तो हम लोग वहां से चलेंगे तो कानपुर 300-400 किलोमीटर के बाद कानपुर पड़ेगा, गंगा नदी दिखाई देगी, पुल दिखाई देगा, शहर की आबादी दिखाई देगी, रात के समय में प्रकाश दिखाई देगा, शहर की आबादी बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद दिखाई देगा, प्रयागराज महागंगा जमुना का संगम दिखाई देगा, आगे बढ़ेंगे तो विंध्याचल पहाड़ दिखाई देगा, पटना आएगा तो गंगा सर सोन भी सब दिखाई देंगे, भागलपुर आएगा फिर उसके बाद से हावड़ा ब्रिज जब आएगा लाखों करोड़ की आबादी वाला शहर दिखाई देगा, फिर पुल दिखाई देगा, गंगा जी दिखाई देगी, तो माना जाएगा कि हमारा रास्ता ठीक है। और जो मनमानी हवाई जहाज में उड़ाएगा, दिशा का ध्यान नहीं रखेगा, रफ्तार का ध्यान नहीं रखेगा, नीचे क्या क्या पड़ता है सर उसका ध्यान नहीं रखेगा, वो भटक जाएगा, अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा नहीं। इसलिए शास्त्र की दृष्टि रखे, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करें और गुरु शास्त्र के अनुसार अपना निश्चय एक करें, वो आदमी बहुत सफल हो जाता है। ऐसे कहने के लिए हम आपसे आ सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है संक्षेप में हमने कह दिया, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखिए, अच्छे महापुरुषों से मिलिए और अच्छे महापुरुष जो बताते हैं शास्त्र या अच्छे ग्रंथ जो बताते हैं उसके अनुसार अपना आचरण करिए। श्री राम जय राम जय जय शंकर जय शंभो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी महाराज का नाम श्याम कृष्ण भगवान का श्याम है, राम जी का श्याम है, हम लोग राम जी का कृष्ण भगवान सबका कीर्तन कर दिए, हम लोग की हाजिरी हो गई। सब लग जाओ छोटे को।